MTV Big F with Gautam Gulati. प्रिंसेस जिया ने खुद को अपनी खामोश दुनिया में कैद कर लिया था, लेकिन आज उसे एक उम्मीद नजर आई। उसने महसूस किया कि वो इस कैद से बाहर निकल सकेगी, एक आजाद परिंदे की तरह वो उड़ सकेगी। अपनी बाहें फैलाकर इस खुली हवा को महसूस कर सकेगी। जिया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाय दी। और ये बुक, ये तेरी डायरी में क्या? तुम इससे कोई मतलब? तेरी बॉयफ्रेंड का फोटो है ना, दिखा। रणधीर, मुझे वापस करो ये। प्रिंसेस जिया। जिया, तुम समझा? प्रिंसेस जिया वो शॉक। वापस करो। बट जैसे ही उसने टर्न किया, उसका सारा गुस्सा पिघल गया। There he was, her prince charming. जैसे एक ठंडे झोंके की तरह डेजर्ट से जल रही प्रिंसेस जिया को अपनी आगोश में ले लिया। What is all this? तेरा प्रिंस घोड़े पे आया था या व्हील चेयर पे? सीरियसली जिया, सो यू थिंक मुझ जैसी लड़की प्रिंस चार्मिंग डिजर्व नहीं करती? दी, ये सब छोड़ो, ये बताओ सपनों में किस किया था प्रिंस चार्मिंग को? बताओ ना। हाँ उड़ाएन उड़िया, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी तरह आज तक किसी भी लड़के को किस नहीं किया। ओए, तू अपनी बात कर। मैंने ना रिया को आई गेस 50,000 टाइम्स तो किस किया ही रहे। शर्म रणधीर, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही रणधीर। आई एम टॉकिंग अबाउट सम रियल मैन। दी, एंड समहाउ आई फील कि तुम लोग ये पार्टी मुझे हर्ट करने के लिए करते हो, ताकि तुम लोग मेरा मजाक उड़ा सको। एंड दैट्स व्हाई आई हेट योर पार्टीज। दी, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवेज, थैंक्स। दीप, कहाँ जा रहे हो? दीप, बात तो सुनो ना। दीप, मैं ले चलती हूँ ना, प्लीज। दीप, आई कैन हेल्प मायसेल्फ। दीप प्लीज, बुरा मत मानो, इट वाज जस्ट फन। जैकेट ही रख के जा रही हूँ, अगर ठंड लगे ना तो पहन लेना। ओके, थैंक्स। लिसन, हाँ दी, डू वन थिंग, ये व्हीलचेयर यहाँ से दूर ले जाओ। ओके। जैकेट। रिया? नो, जिया। फाइन। क्या जरूरत थी जैकेट फेंकने की? टांगों के साथ साथ लक भी खराब है। सो सॉरी, एक्चुअली मेरा जो 30 मिनट्स का डेडलाइन है वो खत्म होने वाला था। थैंक यू। Thank you.
मैं आई हेल्प यू? या श्योर इफ यू कैन। वन सेकंड। या पुराना नहीं है, बहुत पुराना है क्या? नो इट्स नॉट। By any chance, you've forgotten party अंदर चल रही है। जहां मैं बैठ जाती ना पार्टी वहीं शुरू हो जाती है। That's an interesting way to look at life. पर यह काफी ठंडी है, आई थिंक यू शुड गो इनसाइड। आपको जैकेट कुछ नहीं करने वाला है, ऊपर से आपके पैर पानी में, कम से कम पैर तो निकाले पानी में से। जैकेट काफी है एंड पानी तो ठंडा नहीं है। फाइन। आर यू सीरियस? इट्स चिल्ड मैन। ऐसे कैसे बैठ पा रही हो तुम? आई कांट। नीज के नीचे आई कांट फील माय लेग्स। सॉरी। अब नथिंग, इट्स नॉट कोल्ड एट ऑल, सो फाइन, थैंक यू। If you say so. Cool, I need to rush. I have a delivery that I need to deliver. Nice meeting you. This is Man. Hi, Gia. Nice meeting you. Yeah. प्रिंसेस जिया को बहुत ठंड लग रही थी एंड शी वॉज रबिंग हर हैंड्स ऑन हर कोल्ड आर्म्स। और तभी उसका प्रिंस चार्मिंग वेयरिंग जस्ट अ लेदर जैकेट आके प्रिंसेस जिया के पीछे खड़ा हो जाता है। ही टेक्स हर इनटू हिज जैकेट। प्रिंसेस जिया अपनी नेक पे प्रिंस चार्मिंग की सांसों को महसूस करती है। मतलब आपकी जिंदगी में अगर व्हील चेयर है तो आपकी लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता। किसने बुलाई? तेरा बुलाओ, देखते हैं उसको। ऐसे तो इसका मतलब लाइफ में किसी का कोई पेयर बन ही नहीं सकता, क्योंकि कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो या फिर फाइनेंशियली हो। लाइफ उन चीजों पे डिपेंड नहीं करती है। व्हाट इज मिसिंग इन यू, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। अब जैसे जिया ने किया, जिया को लगा कि उसकी व्हील चेयर उसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है और उसी वीकनेस की वजह से उसकी लाइफ में अब कोई लड़का नहीं आ सकता। तो वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज में प्रिंसेस जिया बन के अपने प्रिंस को इमेजिन करती थी, जबकि लाइफ में प्रिंस भी आ चुका है, द पिज्जा बॉय मान, फिर भी वो अपनी कमी के बारे में उससे छुपा रही है, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोच रही है, तभी वो छुपा रही है। बस देखना यह है कि क्या वो उसमें सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं। बहुत उद्धम मचाया होगा। हाँ? अच्छा है कि घर तो साफ है। पापा फालतू गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आपकी ट्रिप कैसी थी? कोई वर्ल्ड टूर के लिए थोड़ी गया था, काम के लिए गया। इट वाज अ फील्ड ट्रिप। या जस्ट रीच्ड होम। आई विल कॉल यू बैक। गिव मी 5 मिनट्स। हाँ पापा, मैं तो इसलिए पूछ रही थी ना कि वो मैं भी ट्रिप प्लान कर रही हूँ। रंजना दीदी की शादी दिल्ली में। What is this? Pick it up and give it to me. So this is what has been happening behind my back. नहीं पापा what? तुम कहीं नहीं जा रही हो। पापा प्लीज, मैंने इतनी तैयारी कर ली थी, प्लीज। एक शर्त है। Yes, पापा।
जिया भी तुम्हारे साथ जाएगी। हाँ तो नो प्रॉब्लम ना दी, प्लीज चलो ना प्लीज। यू आर राइट। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि मैं कनिष्क मल्होत्रा की साड़ी पहन के ना बारात के आगे चिकनी चमेली पे परफॉर्मेंस दूंगी। दी प्लीज गुस्सा मत करो, मान जाओ ना प्लीज। लिसन, मैं वहां जाके ना लोगों की फालतू बातें नहीं सुन सकती, एंड वहां की आंटियां दिल भी लाइक हाय पता नहीं कुड़ी चल नहीं सकती, पता नहीं ब्याह कद होना। यू नो व्हाट, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। या बेटर थिंग्स टू डू, ऑल राइट। 6 साल फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। कम ऑन हेल्प हर अप। दीदी लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। इधर अब बेटा संभाल के स्लोली। अब इसे सहारे की आदत हो गई है। एक्सरसाइज इज की। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो शायद ये उसकी सुनती। उससे क्या हो जाता, पहले वाली जिया तो नहीं बन जाती ना। अच्छा छोड़ो ना दीप, प्लीज मान जाओ ना। मैंने रणधीर को भी बुला लिया है, प्लीज। ओ माय गॉड, तुमने रणधीर को बुलाया है? तुमने पहने के लिए बताया? अब तो दिल्ली जाने से अच्छा ना मैं मर जाऊं। गो टू हेल। हाँ चाहते हो जरा ये व्हील चेयर साइड पे कर देना। हाँ कर दूंगी। थैंक्स। जहाँ बैठ जाते हो वहीं आपकी पार्टी शुरू हो जाती है ना। वो दादी वो अंदर है। रिया नीचे आओ, ये पिज्जा डिलीवरी बॉय को घर में मत लिया करो। नो 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 पापा, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते। हाय 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 मैम, आपका डिनर पिज़्ज़ा। थैंक्स। अच्छा है यार, मतलब यू लाइक लिटरली लाइक ए प्रिंसेस, मतलब हमेशा आराम से, और हम देखो ऐसे सुबह से लेकर पता नहीं टाइम भी क्या हुआ अभी करते रहते हम काम। नाइस। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर पिज़्ज़ा लेकर जाऊं, ऐसे टाइम पे घर पे खाना चाहिए। तुम नहीं समझो, मेरा इलाज ये पिज्जा ही कर सकता है। जिया, जिया बेटा रिया कहाँ है? पापा, यू गो। ओके पैसे। पैसे पैसे मैं तुम्हें कल दे दूँगी, जस्ट गो। डैड आ रहे हैं। मुझे अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। जिया मेरी चीजें नहीं मिल रही है। कम 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 सर। कहाँ सीरियस क्या? जिया गेटिंग फेड अप। Why is it that I can't find my things? हर चीज़ इधर उधर तहस में। ये देखो कंबल भी नीचे। ठंड लग रही है। शॉर्ट्स पहने ना। ओके ठीक है। रिया कहाँ है? ट्यूशन। रिया ट्यूशन गई। ये ट्यूशन भी दिन भर। फेड अप। That was a close shave, Woods. For what? You were admiring my legs, right?
Clean shave, but yes, you have great legs. I'm going now. Bye. Princess Jia, Prince का हाथ पकड़ के उसे रोक लेगी, पर Prince surprise नहीं होगा, क्योंकि वो भी रुकना चाहेगा. He is falling for her too. Hello. Your pizza, madam. Thank you. मुझे ऐसे क्यों लगने लगा है कि पिज्जा तो सिर्फ एक बहाना है? असली मकसद तो शायद मुझे बुलाना. No, nothing like that. No? Yeah. And why do you keep sitting all the time जब भी मैं आता हूँ? कितना हुआ? 250. Hello. Oh yeah, yes, ma'am. I shall take another. Just hold on. Your order number is... Yes, I'll be there in the next 10 minutes. I'll be... What happened? Kya ho gaya? Sambhal ke yaar. Kya? Zor se lagi? Ek minute dekho. I'm fine. No, it's fine. Zyada nahi laga. Main de deta. Tum khud kyun nahi uth rahi ho? भारी हो, पिज्जा कम खाया करो. खुद क्यों नहीं उठ रहे थे? लेकिन because I can't feel my legs below my knees. मैं अपने नीज के नीचे कुछ महसूस नहीं कर सकती. वो व्हीलचेयर मेरी है. एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से मैं चल नहीं सकती. इट्स ओके, इट्स ऑल ओके. साथ नहीं रहना चाहता, बस
It's okay. I don't need anyone. Hey, please. जिया बेटा, तुम फिजियोथेरेपी के लिए क्यों नहीं जाती है? जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? डोंट वरी डैड, आपसे पहले मैं ही मर जाऊंगी। तुम समझोगी नहीं, आई कांट कीप सीइंग यू दिस वे, इट हर्ट्स। उससे ज्यादा तो नहीं हर्ट होता ना डैड, मेरी तो बॉडी में भी दर्द होता और दिल में भी। So please, leave me alone. Yeah, please. Sympathy है? तो ये रहा डस्टबिन, इसमें डाल दो। और वो रहा दरवाजा। अगर बात करना चाहते हो तो ये रहा सोफा, बैठ सकते हो। I didn't mean to, you know. It's okay, please. It's not your fault. Actually, I'm used to it. तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो। जिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बात मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। And मुझे तुम्हारे explanations की कोई ज़रूरत नहीं है। And मैं नहीं चाहती कि तुम ये सोचो कि ये बिचारी ये कर सकती है कि नहीं, वो कर सकती है कि नहीं। Okay, I don't want your business. Just shut up. Okay, calm down. मैं तुमसे ये बताने आया हूँ कि I'm so stupid कि मैं तुम्हें बोल नहीं पाया that I really like you. Sorry, I thought. I'm surprised. मेरे लिए वो surprising था जैसे तुमने अपने पापा से बात की है। Jay is your dad, and a case for you. I know it, man. But you know, I was a swimming champion. इंटरनेशनल लेवल पे खेल नहीं जाने वाली थी कि मेट विद दिस एक्सीडेंट, एंड उसके बाद सब खत्म हो गया। एंड डैड के कहने पे मैंने 2 साल थेरेपी किया, बट कोई असर नहीं हुआ। जी, असर तब पड़ता ना जब तुम असर करवाना चाहोगे। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी परमिशन के बगैर कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। You just promise me कि तुम अपनी तरफ से 100% effort डालोगे, and I swear from my side I will help you, I'll stand by you. Just say that you'll give me 100%. Just promise me. Feel so good. You feel so good? बस, that's what is important. जिससे feel अच्छा होता है हमें, बस वही करना चाहिए। अभी जा। Right. जल्दी बताओ क्या सरप्राइज है। पहले तुम प्रॉमिस करो जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगी। प्रॉमिस करो। ओके, प्रॉमिस। प्रॉमिस? हाँ। मान, मुझे नहीं लगता मैं मैंने पिछले 6 साल से स्विमिंग नहीं की है तो। यार ऐसे मत करो यार, तुमने मुझे प्रॉमिस किया और वैसे भी यार पिज़्ज़ा बॉय ने अपना हाफ सैलरी इस पे खर्च किया है, थोड़ा तो तरस खाओ यार, प्लीज। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं। जिया, यू कैन से नो, यू प्रॉमिस मी। मैं कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तुम बस ये पहनोगे। पकड़ो ये, पकड़ो ये, और ये भी पकड़ो। Thank you.
holding you. I'm holding you. Hold my shoulder. I'm scared. Arey, it's just water. Pani hai, Jia. This is where you belong. Look at me. This is where you belong. Dhar kyun rahi? Just hold on to me properly. Yeah? Yeah? Okay? You feeling confident now? You okay now? Better. Better? Much better. And the under-15 swimming champion is Jia Malhotra. Thank you so much, man. Ye meri life thi. And I'm again in the water. Thank you so much for everything. Maine sari hopes kho di thi. And I always wanted someone ki jo meri life ko back on track lae. And finally you came into my life. Thank you so much, man. तुम्हारी वजह से I'm feeling happy. क्या हुआ मैं? Everything all right? चलो पानी से बाहर निकल. But what's wrong? What happened? सिस्टर को यहाँ से लेकर जाओ. She's making a scene. मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ. सीन तो तुमने क्रिएट किया है मेरी फीलिंग्स के साथ खेलकर. क्या सोचो तुमने? टांगे जिसकी ऑलरेडी टूटी है ट्रस्ट भी तोड़ दो. सैडली इन टूटी टांगों के लिए व्हील चेयर तो मिल सकती है. There's no solution. There is no solution for the broken heart and broken promises. क्या डायलॉग बदल लगा रखी हो तुम यहाँ? हाँ? किसे सेंड करना चाहती हो? मुझे? मैं क्या? कोई भी दूसरा तुम जैसे कावड़ के साथ नहीं रहा. कोई भी. तो कार्ड फेंकते रहते ना तुम अपनी डिसेबिलिटी की, व्हीलचेयर की. क्यों? और अपनी सिस्टर अपने पापा के ऊपर बोझ बन के बैठे रहती हो. पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोशिश नहीं करनी है. काम करना, एक छोटा सा काम करना. नहीं, जो तुम तरस खाते हो ना तुम अपने ऊपर, उसमें से थोड़ी सी तरस निकाल कर अपने पापा पर खा लेना. Be little fair, ना? Little fair. Look at yourself. You're standing. Oh my God. Yes, man did it. Naam mat lo uska. Do you know what? मैं चाहती थी आप जल्दी से ठीक हो जाओ, इसीलिए मैंने मान को पैसे दिए. And you just needed a little bit of motivation. That's why. मुझे पता था कि आप उसे पसंद करती हो. तभी मैंने ये सब किया. But you know what? मान refused. उसने पैसे नहीं लिए. पैसों के लिए तो मेरा जॉब ही काफी है रिया. तो फुलफिल माय ड्रीम ऑफ एमबीए.
सो ऑन एंड ऑन व्हाटएवर, ये सब का मैं पैसों के लिए नहीं कर सकता हूँ। आई जेन्युइनली फील फॉर। मैंने सेकंड टाइम भी आज उसे पैसे ऑफर किए, बट ही रिफ्यूज्ड अगेन। ही सेड कि मैं जिया के लिए पैसे नहीं लूंगा। मॉर्निंग स्वीटहार्ट। पापा। हाँ बेटा। मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ शादी के लिए। यस। ये सूरज तो सही दिशा से उग रहा है। देखो तुम्हारी दी को कहीं टेम्परेचर तो नहीं हो गया? पापा आई एम फाइन। और वन मोर थिंग, आप एक काम कीजिए, आज फिजियोथेरेपिस्ट को बुला लीजिए। ओह माय गॉड। व्हाट? आई विल फेंट। यू आर फनी। क्या बात है भाई, हमें भी बताओ सीक्रेट क्या? आपको नहीं बता सकती। The change is positive. I'll see you. See you. So finally, Princess Jia की रियलिटी और फैंटेसी की हुई टक्कर, जिसमें से बाहर आई हंसती हुई मुस्कुराती हुई जिया। मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि अपनी फैंटेसी को इतना बड़ा मत बनाओ कि उसके आगे बहुत छोटे लगे। जिया की तरह अपनी फैंटेसी को रियलिटी बना के एक नया चैप्टर लिखो। एनीवे, आप लोगों के ऊपर है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे लेते हो और किस तरीके से जीते हो। मैं तो जाते जाते आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि सुनो अपने मन की, करो अपने दिल की और जी लो अपनी जिंदगी।